केकेआर न्यूज में। खातेगांव में कोविड 19 टीकाकरण अभियान के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरणगांव में टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सर्वप्रथम कोविड 19 वैक्सीन की पूजा अर्चना की गई। उसके बाद गनोरा की आशा कार्यकर्ता श्रीमती आशा बाई को कोविड का पहला टीका लगाया गया। इसके बाद शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय हरणगांव के दवासाज आनंदराम उइके को टीकाकरण किया गया। मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी खातेगांव जी एस बघेल ने बताया कि टीकाकरण में अच्छा अनुभव कर रहा हूँ, साथ ही सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम भी किए गए हैं। इसी के तहत हरणगांव में कुल 19 लोगों को कोविड का टीका लगाया गया है, जिसमें आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं। इस टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए रामलाल चावड़ा MPS, देवी सिंह चौहान, मनीष शर्मा, उमाशंकर दुबे MPS, पूर्णिमा वर्मा, धर्मेंद्र परमार, पूनम शाह, निरुलता गौड़, ANM वृंदा यादव, संगीता मर्सकोले, चंचला जोशी, सीमा कुशवाहा, रूपेश आशापुरी, नीता मालवीय एवं सीमा मालवीय का विशेष सहयोग रहा। इस अवसर पर सरपंच मदन लाल मालवीय, डॉक्टर रिंकू पटेल, डॉक्टर अंतिम विश्वकर्मा, पुलिस कर्मचारी व पत्रकार सत्तार खान, आरिफ कुरेशी सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। देवास से सत्तार खान की रिपोर्ट। सर, आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरणगांव में टीकाकरण का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, और किस बात को लेकर टीकाकरण है और इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ये हरणगांव में फर्स्ट राउंड चालू किया है आज से, जो कोविड 19 का टीकाकरण चालू हुआ है। इसमें अपने PHC हरणगांव में जो ये सेंटर रखा है, इसके अंतर्गत जितने भी हितग्राही है उनको जब तक पूर्ण टीकाकरण नहीं होगा तब तक चलता रहेगा। प्रथम चरण में अभी किन लोगों को टीकाकरण किया जाएगा? प्रथम चरण में हेल्थ वर्कर को किया जा रहा है। हेल्थ वर्कर में स्वास्थ्य कर्मचारी है, आशा कार्यकर्ता है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, इनको लगाया जाएगा। किसी प्रकार के अगर कोई और सिम्टम आते हैं उसके लिए यहाँ क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? यहाँ पे सारे किट रखे हुए हैं, डॉक्टर यहाँ पे मौजूद है, कोई भी परेशानी होगी तुरंत उनको कवर किया जाएगा। इसके अलावा ये टीकाकरण की मतलब कितने चरणों में लगाया जाना है, या इसकी खुराक क्या रहेगी प्रति व्यक्ति या प्रति एक व्यक्ति को? जो खुराक है 0.5 ml देते हैं, इसके 28 दिन में दूसरा टीका लगेगा। जी, आपका नाम और पद सर? मैं डॉक्टर GS बघेल, BMO खातेगांव। थैंक यू सरपंच साहब। आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरणगांव में टीकाकरण हो रहा है, तो किस बात को लेकर है और क्या मामला है, आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, हरणगांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो ग्राम पंचायत हरणगांव के अंतर्गत है, इसमें कोरोना वैक्सीन आई है, उसके लिए पूरे पंचायत क्षेत्र के क्षेत्र में खुशी है। और यहाँ पहले स्टाफ को लग रहा है, स्वास्थ्य कर्मचारियों को, और डॉक्टर मीना जी यहाँ आए हुए हैं, मैं स्टाफ के खाते हूँ सब, और बड़ी खुशी है नगर में इस बात की कि हमारी यहाँ वैक्सीन आ गई और जो कोरोना महामारी से हमें छूट मिलेगी। वैक्सीन आ जाने के बाद भी आप अपने क्षेत्र के वासियों को कोई और संदेश देना चाहेंगे कोरोना से बचने के लिए? उनको ये संदेश देना चाहेंगे कि आप कोरोना वैक्सीन लगवाइए और गाइडलाइन का पालन करिए। ठीक है, आपका नाम और पद सर? मेरा नाम मदन लाल मालवी है, सरपंच ग्राम पंचायत हरणगांव। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।